क्वेश्चन है उसको है ना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है ऐसा, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, नॉन कंडक्टिंग रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। देखो अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था ना कि लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, नाउ लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, वेयर लैम्डा नॉट इज कॉन्स्टेंट and phi is azimuthal angle, इसका कुछ मतलब नहीं है, वो हम फिगर में दिखा देंगे, आप समझ लेना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एक क्वेश्चन है एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, और दूसरा है एट एनी पॉइंट ऑन, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे और उसी रिंग के सेंटर पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन। देख अभी तक क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग ना, कि जो हम लोगों के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी था वो कांस्टेंट था, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, क्यू बाई एल लिख देते थे, क्यू बाई टू पाई आर लिख देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन आपको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम आपको समझा रहे करना क्या है। मान लीजिए जैसे सपोज हम लोगों के पास ये एक सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के लिए ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, हम लोग सेंटर पे बात कर रहे हैं। इसमें आप कोई एक एलिमेंट्री पार्ट यहां ले लीजिए, उस एलिमेंट्री पार्ट का जिसमें जैसे डीएल होता है, फिर आप यहां पे इसका एक स्मॉल सा एंगल लेते हैं डी फाई थीटा, नहीं फाई है यहां पे एंगल, तो डी फाई, और यह एंगल है फाई, ऐसा ले लीजिए। देख हो रहा ना क्या, अभी तक होता था क्या ना कि सब प्लस 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 चार्ज था और हम लोग उसके बेसिस पे यहां कैलकुलेशन करते थे, लेकिन जब यहां कॉस फाई मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि जहां पे ये एंगल फाई का वैल्यू मान लो यहां जीरो, तो यहां पे लैम्डा नॉट चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाएगा प्लस चार्ज डेंसिटी घटेगा 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 घटेगा, जब ये फाई 90 होगा तो यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, यहां चार्ज जीरो है, कॉस 90, समझ में आ रहा वेरिएशन। उसके बाद जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर ये जीरो से बढ़ेगा लेकिन निगेटिव में बढ़ेगा, माइनस 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 बढ़ते 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 यहां माइनस एकदम मैक्सिमम माइनस लैम्डा नॉट, समझ में आ रहा। yes. और फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, यहां पे वेरिएशन ऐसा है, कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन में जहां आप लैम्डा लेके चलते थे, लैम्डा को कांस्टेंट की तरफ बाहर निकाल देते थे, वहां लैम्डा के जगह पे लैम्डा नॉट कॉस फाई रखना होगा और उसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देख यहां पे डीएल है, तो इस डीएल का अगर हम डीक्यू चार्ज लिखे तो क्या लैम्डा इंटू डीएल लिखेंगे जैसा हम लोग सीखे थे, सही है। मान लिया रेडियस आर है तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पॉजिटिव चार्ज, ये रहा डीई, ये एंगल फाई, तो ये एंगल फाई, तो D का लेफ्ट वाला कंपोनेंट हो गया हम लोगों का DE का cos phi, और नीचे वाला कंपोनेंट हो गया DE का sin phi, किसी को कैंसिल वैंसिल नहीं करो, काम करो दोनों के लिए, चलो एक एक करके चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग में निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे DE cos phi को, अगर हम x एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे DE cos phi को, अगर y में निकालेंगे तो DE sin phi। तो अभी हमारे पास वैल्यू हुआ, इंटीग्रेशन डी को लिख सकते हैं के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर,
साथ में cos phi इंटीग्रेशन के लैम्डा इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर साथ में cos phi, अच्छे से समझते चलिए। इंटीग्रेशन के लैम्डा को लिखो लैम्डा नॉट cos phi और डीएल को पैरेलेक्स से क्या लिख सकते हैं आर डी फाइव, लिखो आर डी फाइव और साथ में cos phi नीचे में आर स्क्वायर, यही पे छोटा सा टर्म है। पिछला जब तुम डेरिवेशन किया या पढ़ा था उसमें क्या था ना कि ये लैम्डा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जा रहा था, अभी लैम्डा खुद वेरिएबल है तो यहां लिख लेना। अब जो जो कांस्टेंट उसको निकालो, के कांस्टेंट, लैम्डा नॉट कांस्टेंट, आर से स्क्वायर कैंसिल, नीचे एक आर बचा, इंटीग्रेशन में अब कॉस स्क्वायर फाइव होगा, कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जबकि तुम पिछला डेरिवेशन देख रहे हो उसमें cos phi का इंटीग्रेशन था, याद आ रहा? बस phi के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा जीरो से लेके पूरा साइकिल के रिंग के जीरो से लेके टू पाई तक आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? इसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड y का निकालना है यू हैव टू इंटीग्रेट dE sin phi। सो सब भाई k इंटू dQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साथ में साइन फाइव, के डी क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू डीएल साथ में साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसमें से के लैम्डा नॉट कॉस फाइव साथ में डीएल के जगह पे आर डी फाइव फिर से साइन फाइव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो के लैम्डा नॉट आर बाहर इंटीग्रेशन कॉस फाइव साइन फाइव डी फाइव, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है के लैम्डा नॉट बाय आर इंटीग्रेशन, क्या हम इसको साइन टू फाइव बाय टू लिख सकते हैं? तो के लैम्डा नॉट बाई टू आर इंटीग्रेट करो साइन टू फाइव डी फाइव को जीरो से लेकर टू फाइव तक, सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा वही आंसर होगा, एक एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक वाई का। क्या तुम्हें समझ में आया अंतर कहाँ है? ठीक है, अगर ये ऐसा वेरिएबल है तो वेरिएबल की तरह इसको लेके आना, काम करना है। ठीक है, अच्छा देखो इंटीग्रेशन कैसा, वो मेरा नहीं काम है, वो हमको नहीं आता। ठीक है, आपको कॉस स्क्वायर का करना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी? वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, यही ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू थीटा, सही है? तो जहां कॉस स्क्वायर फाइव है वहां पर लिखना होगा वन प्लस कॉस टू फाइव डिवाइडेड बाई टू और फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। अब देखो एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग सेम कॉन्सेप्ट, वहां भी आप लिखते थे ना लैम्डा, लैम्डा की जगह आप लिखिएगा लैम्डा नॉट कॉस फाइव और फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, नोट सो एक बार फिर से बोलो उत्कर्ष। चलो बताते, ठीक है, समझ गए। देखो स्टूडेंट का डाउट ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए कि स्मॉल साइज स्फीयर है और एक बड़ा सा स्पेशल कंडक्टर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर मान लो, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या है कि आप इन दोनों को आप मान लीजिए किसी एक को चार्ज आप दे दिए, किसी एक को आप चार्ज दे दिए हैं क्यों, मान लीजिए इसी को आप चार्ज क्यों दे दिए, आप किसी को चार्ज क्यों दे दिए। ठीक है, अब जरा समझना, फिजिक्स का जब सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपको एक चीज बताया गया कि जब भी आप कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर देते,
जब भी आप कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। बताओ कब तक ये फ्लो होता है? वेरी गुड, तब तक जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये फिगर, आफ्टर कनेक्शन, जब हम इनका कनेक्शन करते हैं, मान ले जैसे ये है छोटा वाला और ये है बड़ा वाला स्क्वायर, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, अब आप दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो ऐसे ही होगा ना, कि टोटल चार्ज क्यों ही रहे। तो देख इस पे चला गया मान ले स्मॉल क्यू, तो इस पे बचा क्यू माइनस क्यू, चार्ज कंजर्व ना, चार्ज तो कंजर्व है, टोटल चार्ज क्यू दिए थे तो उसमें से कुछ हिस्सा स्मॉल क्यू चार्ज इस पे चला गया और इस पे बच गया क्यू माइनस क्यू। कोई ये भी पूछ सकता है कि सर स्टूडेंट मतलब हम लोग को कैसे पता चला कि कौन से स्पेयर पे शुरू में चार्ज दिया गया है? कुछ नहीं जानने का इसमें जरूरत है, तो मान लो ये क्यू इस पे दे दो, क्यू इस पे दे दो, तो उसी क्यू का ना दो हिस्सा होगा ऐसा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब क्या है, आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल जो वन का होगा और पोटेंशियल जो टू का होगा दोनों बराबर। तो याद रखना कि स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय स्फीयर का रेडियस। ये आगे आप पढ़ेंगे गॉसियन थ्योरम इन सब में, के स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय स्फीयर का रेडियस। ठीक है, यहां देखो ये के से के कैंसिल, अभी हम लोग के पास क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। सॉल्व करके किस पे चार्ज निकालना था जी आपको? इस पे ना, ठीक है, पहले स्मॉल क्यू निकाल दिया, तो क्यू माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर इज स्मॉल क्यू इंटू आर, सो क्यू इंटू आर ये उधर चला गया, स्मॉल क्यू कॉमन आर प्लस आर होगा, तो तुम्हारे स्मॉल क्यू का वैल्यू हुआ क्यू आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये जो स्मॉल क्यू है बड़े स्पेयर पे चार्ज है, तुमको छोटे स्पेयर पे चार्ज चाहिए, तुमको छोटे स्पेयर पे चार्ज चाहिए, सो चार्ज ऑन स्मॉलर स्पेयर, तुम्हारे स्मॉलर स्पेयर पे जो चार्ज हुआ दैट चार्ज ऑन स्मॉलर स्पेयर इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। सॉल्व कर लेना तो आएगा भाई आंसर। ठीक है, और आगे बताओ जी। अभी भेजो। यस सर, मम्मी मैंने देख रहे। हाँ हाँ हम देख रहे थे, हम वही पूछ रहे थे, हमको लग रहा है कि कोई है जो मिस कर रहा है। अच्छा अभी वाला, अभी वाला कितना नंबर बोले भाई? 23। और 23 तो कल ही बताए, 23 तो कल ही हुआ है, जरा देखो, देखना जी सब कोई कल ही कर लिए हैं। देखो यहां पे एक चार्ज और एक चार्ज यहां है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है और इसमें गया है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और इसमें गया है। नंबर को गौर करेगा तुम, अगर यहां पे अभी ऐसा क्वेश्चन भेजा है ना, बहुत सारा फील्ड लाइंस है ना, काउंट करते जाना, फील्ड लाइंस काउंट करना, उसी में आंसर है। फील्ड लाइंस काउंट करो, उसी में आंसर है। कल तो किए थे ना ये क्वेश्चन, ऐसा मान ली लेफ्ट वाला चार्ज है क्यू वन और ये राइट वाला चार्ज है क्यू टू, चलो बताओ दोनों चार्ज में साइन किसका प्लस किसका माइनस, कौन सा चार्ज प्लस? क्यू वन पॉजिटिव हो गया और क्यू टू हो गया नेगेटिव। हाँ वेरी गुड, अब बता जरा मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा, क्यू वन बड़ा कि क्यू टू बड़ा? हो गया आंसर, यही तो है तुम्हारा। क्या
डी बोले, डी में लिखा है द इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ क्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ क्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि ये एक एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें प्लस माइनस है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज से सिस्टम से अगर तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकल गया तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है. ठीक है, तो कोई ऑप्शन वो तो रहेगा. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अभी मान लो तुम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करता हो, उसमें नीचे में आर स्क्वायर, तो अगर ये r टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली दैट फिजिकल क्वांटिटी जीरो. ठीक है, ठीक. 21 वाला नहीं बताएंगे, कल ही बताए. वो स्पेयर वाला बताया था ना जी, एक स्पेयर था उस पर फील्ड लाइन आ रहा था ऐसे, वही वाला. फिर से दोबारा मत बनवाओ यार, ये सब टाइम पास नहीं करो. लास्ट भेजे थे जी व्हाट्सएप में कौन, करण? हाँ करण, गुड. लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, वही वाला ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े. देखो अच्छे, पहले तो इस क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा दो चार मिनट है ना, आप पहले काम कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको बनाते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको पहले कराते हैं, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं. मान लो फॉर थ्री चार्ज सिस्टम, मान लिया हम लोग के पास तीन चार्ज का एक सिस्टम है, एकदम रेगुलर पॉलीगॉन है, तीन चार्ज को रेगुलर पॉलीगॉन पे रखना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखना है, क्या सही है? क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है. अब देख इसका एक सेंटर है सेंट्रोइड, ओके. सेंटर से हर चार्ज का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो आर है. बता सेंटर पे ई कितना? जीरो, वेरी गुड. और सेंटर पे पोटेंशियल कितना? क्या ठीक लिखे? नहीं समझा? सेंटर पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल का सम, के क्यू बाई आर, तीनों का सम 3 KQ/R, ओके ना. नाउ सी, अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन जगह चार्ज था, यहां भी था और यहां भी था, तो हो क्या रहा था, वेक्टर पे सोचना थोड़ा, कि इसका फील्ड और इसका फील्ड कैंसिल हो जा रहा था. अब अगर किसी कारण बस एक चार्ज को हम हटा दें तो ये वाला नहीं होगा, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर से आप चार्ज हटाए उधर ही बन जाएगा? नहीं समझा? तो क्या अभी हम सेंटर पे बात कर रहे हैं कि फील्ड बताओ, तो क्या वो आंसर KQ/R² है? Yes, अरे भाई इससे जो बैलेंस होना था वो बच गया है. Yes, और अभी का पोटेंशियल क्या 2 KQ/R है? Yes, क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, अगला एक थोड़ा और एक, फॉर 4 चार्ज सिस्टम, मान लो चार चार्ज का सिस्टम का बात करते, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का बात कर रहे हैं, स्क्वायर पॉलीगॉन, करेक्ट. सब क्यों मान ले, इसका फील्ड इससे बैलेंस, इसका फील्ड इससे बैलेंस एंड सो ऑन. तो सेंटर पे फील्ड कितना, पोटेंशियल कितना? 4 KQ/R डिस्टेंस आ ले लेना. अब मान लो चार में से कोई एक चार्ज आप हटा दी, मान लीजिए ये चार था जिस वजह से आप डिस्कशन देख चुके, इन चारों में से कोई एक आप हटा दी,
तो इसका तो इससे बैलेंस, इसका इससे बैलेंस, लेकिन इसका फील्ड तो बच जाएगा। तो क्या तुम सेंटर पे फील्ड को के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलेगा और पोटेंशियल को क्या बोलेगा? थ्री टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। समझ में आ रहा क्या? अब सोचो, अगर मेरे पास कोई एंड साइड का पॉलीगॉन है, जैसे चार साइड का पॉलीगॉन चार चार्ज, तीन साइड का पॉलीगॉन तीन चार्ज, तीन चार्ज, अगर एन साइड का पॉलीगॉन है और हर वर्टेक्स के ऊपर एक एक चार्ज रखा है, रिमेंबर दिस, इफ एनी, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन, इफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन है, समझना ध्यान से, एन साइड्स एंड इट हैव n charges on n vertices, n साइड का पॉलीगॉन है और हर वर्टेक्स के ऊपर एक एक चार्ज है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे कितना और पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा? n टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। सही है? Yes, कोई दिक्कत नहीं। अब देख इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फॉर एन साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एन माइनस वन वर्टिसेस हैव चार्ज, एन माइनस वन वर्टिस के ऊपर चार्ज मौजूद है, समझ गया? तीन साइड है तो दो पे चार्ज है, चार साइड है तो तीन पे चार्ज, तो क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो या नॉन जीरो? क्या वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा? और क्या उसका पोटेंशियल एन माइनस वन टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर होगा? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये कहता है इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स इच कॉर्नर इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, identical charges are placed at n minus 1 corners. At the center, the intensity is E and the potential is V. The ratio of V by E is, ये वाला क्वेश्चन तुमको रेशियो निकालना है V by E का, n minus 1 kq by r divided by n kq by r square. kq से kq cancel, r से square cancel, r ऊपर चला गया, r टाइम्स ऑफ n माइनस वन डिवाइडेड बाई n, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन केवल यहां बना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इधर से है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, नोट करो अच्छे से इसको। एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू पोटेंशियल वी वोल्ट। देखो ये सब है ना, जब हम लोग है ना स्फेयर इन सब पढ़ लेंगे ना, गॉसियन थ्योरम में पोटेंशियल, तो ये सब क्वेश्चन हम करा देंगे अपने आप क्लास में, तो थोड़ा वेट कर ले, ठीक है? ये सब गॉसियन थ्योरम का क्वेश्चन है सर। आगे बताइए। सर व्हाट्सएप द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, यही है ना, टू इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, यस सर, हैविंग चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ। अच्छा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो चार्ज का साइन सेम या डिफरेंट? साइन, साइन डिफरेंट, हाँ अट्रैक्शन है ना। लिखा दीज टू पार्टिकल्स आर, these two particles are put in contact and again placed at the same distance from each other. What is the nature of new force between them? उनके बीच का force का nature क्या होगा? देखो force का nature तो sure shot है कि either वो नया force repulsive होगा या neutral होगा।
आइदर वो नया फोर्स रिपल्सिव होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है, लिखा ऐसा, ऑप्शन अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, एकदम यही सही। हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते, समझिएगा। आंसर डी दिया हुआ है, गलत है, आगे देखो, हम दिखा रहे हैं ना, बताना। मान ले ये है एक स्फीयर और ये एक स्फीयर, इस पे चार्ज है 2q और इस पे चार्ज है -6q, क्या दोनों अट्रैक्ट करेगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स एफ। अब आप दोनों को, अब आप इसके बाद दोनों को टच में लाइए, तो कंडक्शन में आप कुछ पढ़े हैं ना, नेट चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेट चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो नेट चार्ज कितना है? -4q, तो -2q और -2q हो गया, और फिर दोनों को अलग कर दीजिए। जब आप दोनों को अलग कर दीजिएगा तो -2q और -2q सिमिलर चार्ज, दे रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन यहां तक तो सही सोचा, देखो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव लिखा है क्या? हाँ, अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव तो श्योर है। अब न्यूट्रल कैसे हो सकता, बोले कोई फोर्स नहीं। देखो जरा, मान ले जैसे एक पे चार्ज था 2q और एक पे चार्ज है -2q, क्या दोनों अट्रैक्ट कर रहा है? ठीक है, अट्रैक्शन हो गया। अब अगर आप दोनों को टच में ले आइएगा, अगर आप दोनों को टच में लाइएगा तो क्या दोनों न्यूट्रल हो जाएगा? Yes, फिर अगर आप दोनों को एक डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे तो क्या उनके बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा? Yes, ठीक है। तो देखो ऊपर में हम लोग आपके सामने चार्ज ऑफ डिफरेंट, हाँ अभी देखो, अब हम आपको आंसर में ले चलते हैं एक एक करके, ध्यान से समझिएगा। कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है, टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। क्या समझ में आया? सेम मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो क्वेश्चन एक चीज क्लियर कर दिया है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है देन फोर्स विल बी रिपल्सिव, इसीलिए ना रिपल्सन का आंसर दिया है, फोर्स इज रिपल्सिव, इसलिए केवल रिपल्सन वाला आंसर दिया है जी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज होना ही चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड आप नहीं ले सकते। ठीक है, चलो आगे बोलो। स्क्रीन पे है क्या? एक बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ का आंसर तो हम उसमें स्टेटमेंट बोल के खत्म कर दिए थे ना। देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा इसको आप पिक कर लो, क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में? डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसलिए तुम्हारा आंसर रिपल्सिव है। अगर सेम मैग्नीट्यूड रहता तो तुम्हारा आंसर न्यूट्रल, जीरो फोर्स होता। लिखा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड 8 वोल्ट एट ईच ऑफ द पॉइंट 100, 010 एंड 001। द पोटेंशियल एट पॉइंट 111 विल बी, हम लोग को करना क्या है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या वो ई नॉट आई कैप, ई नॉट जे कैप और ई नॉट के कैप है? क्वेश्चन में मेंशन में सुनना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हम खुद से लिख सकते हैं ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप? ई नॉट का वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, क्या समझ पा रहा है? ठीक है, आगे लिखा पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट ओरिजिन,
ओरिजिन पे जो पोटेंशियल ओरिजिन का है वो 10 वोल्ट है, ओरिजिन मतलब हो गया हम लोग का 0 0 0। और फिर बोला गया कि आप कोई भी पॉइंट चुन लीजिए, कोई भी पॉइंट एट एनी पॉइंट। कौन कौन तीन पॉइंट दिया गया है बहुत ध्यान से समझना, 100 010 001, इन तीनों ही जगह बोला है पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। इन तीनों जगह कहीं भी आप ले लो, देखो जब तुम x कोऑर्डिनेट लेगा तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा ये E नॉट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट लेगा तो E नॉट मिल जाएगा एंड सो ऑन। पता है क्या हुआ, हम लोग अगर ये तीनों अलग अलग भी लेते, जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड का हो, क्या बोल रहे हैं हम समझना ध्यान से, x में हो सकता है 2i कैप हो, y में हो सकता है 3i कैप हो, z में हो सकता है 4i कैप हो, ऐसा 4k कैप। लेकिन इस चीज को ऐसे समझना कि बिकॉज मैंने क्वेश्चन में आप पढ़ लिए थे कि तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल है ना 8 वोल्ट है, इसलिए हमको पता था कि तीनों मैग्नीट्यूड सेम होगा, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा और अलग सोचना। सोचना अगर क्वेश्चन रहता कि इस पॉइंट पे 8 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है और इस पॉइंट पे -6 वोल्ट है, तो क्या बोलता, तीनों सेम मैग्नीट्यूड का होता या डिफरेंट? डिफरेंट होता। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि तीनों ही पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, इसलिए इस क्वेश्चन में जब मेंशन है कि तीनों पे सेम पोटेंशियल, तीनों मतलब देख एक्स है वाई है जेड है, इसलिए हम तीनों का कोऑर्डिनेट सेम ले लिए। क्या समझा? ठीक। अब यहां देखो कैलकुलेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, चलो एक्स एक्सिस पे सोचते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएक्स। तो एक्स में ओरिजिन से लेके पॉइंट तक, तो ओरिजिन से लेके पॉइंट तक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एंड डीएक्स, इसमें से ई नॉट कॉन्स्टेंट, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स जीरो से वन तक। पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है जी, पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 8 और ओरिजिन का कितना है 10, तो 8 माइनस 10 इज माइनस ई नॉट 1 माइनस 0, यहां हो गया हम लोगों का -2 और यहां हो गया माइनस ई नॉट, सो ई नॉट विल बी इक्वल्स टू 2, ई नॉट 2 आ गया। हम आपको ये अलग से इसलिए करके दिखा दिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में रहता कि हर पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है तो तुमको y में लेना पड़ता एक अलग आंसर आता, z में लेना पड़ता एक अलग आंसर आता। क्या आप पैटर्न समझ रहे हैं क्वेश्चन का? Yes. सुनिएगा ध्यान से, क्या बोले, बोलो बोलो डाउट बोलो अपना। देख तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस वजह से एक्स का वाई का और जेड का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम सेम लिए। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में रहता कि नहीं इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, तो ये तीनों सेम नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में जो क्वेश्चन मेरे हाथ में उसमें तीनों सेम है तो एक्स एक्सिस के हिसाब से चले, सिमिलरली वाई भी यही आएगा, सिमिलरली ई नॉट जो वाई में आएगा वो भी होगा हम लोगों का 2 और जो हम लोगों का ई नॉट जेड में आएगा वो भी होगा 2। इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2i कैप 2j कैप और 2k कैप है, 2i कैप 2j कैप और 2k कैप है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सब के बेसिस पे 111 पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। नाउ फाइंड पोटेंशियल एट एक न्यू पॉइंट 111, ये तीन। तो फिर से चल भाई इंटीग्रेट कर ले, डीवी इज इक्वल्स टू ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ऑरिजिन से लेके एक नए पॉइंट तक
तो जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक, यहां पे हो गया हम लोग का भी ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक माइनस टू डी एक्स, टू डी वाई एंड टू डी जेड। कोऑर्डिनेट है जीरो से वन, जीरो से वन एंड जीरो से वन। यहां लिखो पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस नॉट इज इक्वल टू माइनस टू, क्या ये वन आएगा? यहां भी टू, डीवाई भी बनाएगा और यहां भी टू, डीजेड भी बनाएगा। पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ओरिजिन में टेन दिया हुआ है, ओरिजिन का पोटेंशियल टेन दिया हुआ है, जैसे इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, सो इट इज माइनस सिक्स, इसको उधर भेज दो, सो पी पॉइंट हैव फोर वोल्ट पोटेंशियल, फोर वोल्ट। पूरा क्वेश्चन है ना एक्चुअली तुम्हारे पास है ना, बढ़िया से है ना इधर उधर मिक्स करके बनाया गया, थोड़ा समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये लिखता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब x कंपोनेंट अलग हो सकता है, y कंपोनेंट अलग हो सकता है, z कंपोनेंट अलग हो सकता है, जैसे ये टू हो गया, ये सिक्स हो गया, ये नाइन हो गया, कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन आप आगे पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखता है, बोलता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन है पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड एट एनी पॉइंट, तीन अलग अलग पॉइंट दिया, एक एक्स निकालने के लिए दिया, एक वाई निकालने के लिए दिया और एक जेड निकालने के लिए दिया, बोला सबका पोटेंशियल सेम है। तो जब हम ऐसा क्वेश्चन में पढ़े कि इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो हम ऐसा तीन वेरिएबल लेने के बजाय एक ही वेरिएबल लिखे, क्योंकि तीनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सेम आएगा। अगर इस क्वेश्चन में रहता कि हर दिए गए पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये तीनों सेम नहीं होता, वो ए बी सी करके तीन अलग चीज आता, ठीक है। पहला काम ये था कि उन कंपोनेंट्स को निकालें। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिए और एक्स एक्सिस की तरफ इंटीग्रेशन लगा के एक्स कंपोनेंट निकाल लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन में कह दिया गया कि तीनों तरफ सेम था, तो बाकी दो कैलकुलेशन किए नहीं, उसको भी वही लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो अब आप एक नया पोटेंशियल फाइंड कीजिए एक नए पॉइंट पे, और वो पॉइंट दिया है वन वन वन। तो जैसे लास्ट में सीखे थे कि अगर हम लोगों को E का इक्वेशन मालूम है, तो हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल या पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो उसी को यूज किया आगे मैथमेटिक्स, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज फाउंड टू बी फोर वोल्ट। देखो इसको अच्छे से, कोई भी दिमाग में डाउट पूछ लो, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जब आप बनाते हैं तो एक से एक क्वेश्चन आता है। देखिए कुछ पूछ ही लीजिए, कुछ ना कुछ तो डाउट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। बोलो जी, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई डाउट किसी का? हाँ अभी आया, बोलो डाउट। अच्छा कोई डाउट है पूछ लो, नहीं तो नोट करो अच्छे से, इसको थोड़ा समय दो, इसके दो मिनट सोचो इसको अच्छे से, क्या बोला गया, कैसे बोला गया। अगर हो सके ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिख लेना, तो जैसे हम बोल रहे हैं थोड़ा फटाफट लिख लो, तो थोड़ा थोड़ा लिख लो सब कोई। यही क्वेश्चन है, मतलब बोल रहे बोल रहे, यही क्वेश्चन, ये जो बनाया है वही है। लिखो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the potential is 10 volt at the origin, the potential is 10 volt at the origin and 8 volt at each of the points and 8 volt at each of the points, तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में 100, 010, 001।
फर्स्ट आप उसके बाद लिखो, देन फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट, देन फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिख लेना 1 1 1, देन फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट 1 1 1, नोट करो अच्छे से इसको। तो ये वो क्वेश्चन बताए थे फिर हो गया। अभी कोई गर्ल पूछ रहे थे 51 नंबर, 51 कहाँ का जी? 52। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा। Block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field e towards right is switched on. Assuming elastic collision on the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? है उसको है ना हम हवा में ऊपर की तरफ फेंक दिए, उसको ऊपर जाने में लगा है 2 सेकंड, तो उसको आने में कितना सेकंड लगेगा? 2 ही सेकंड लगेगा, सही ना? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी एक्सलरेट या डिसलरेट होता है विथ सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन, तो जाने में जितना समय लगेगा आने में भी उतना ही लगेगा। चलो देखो, यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज q है, रेस्ट में है अभी, जीरो वेलोसिटी a पॉइंट, ये एक वॉल है, ये एक वॉल। आप सडनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किए तो बताइए इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है? राइट। क्या वो फोर्स क्यूई है? यस सर। इसका मतलब राइट की तरफ एक्सेलरेशन क्यूई बाय एम है। तो देखो अगर यहां से यहां तक का क्वेश्चन में एक डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ जी? डी। तो जीरो से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पहुंचेगा ना किसी एक टाइम पे। सिंपली वी कैन फाइंड दैट ना बाय यूजिंग एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज यू वाला टर्म जीरो है तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2s बाय a। So, आपका टाइम हुआ है अंडर रूट 2 डी बाय एक्सेलरेशन की जगह पे क्यूई बाय एम। मान ली इस पॉइंट को हम बी लिखते हैं, तो ये टाइम ए से बी तक जाने का है। अब देखो जब ये पहुंचा होगा जस्ट बिफोर कोलिजन इट हैव सम स्पीड, मान लो इसका स्पीड है बी, क्वेश्चन बोलता है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक,
तो कोलिजन के बाद सेम स्पीड से लौटेगा? लेकिन ध्यान रखना कि ना ई का डायरेक्शन बदला है, ना फोर्स का डायरेक्शन बदला है, ना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदला है, क्या समझा? तो इसका मतलब अब यही एक्सेलरेशन उसको रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन। जैसे 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 ये आगे बढ़ेगा, अब तुम बी से सोचो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और अल्टीमेटली जब यहां पहुंचेगा तो क्या ये फिर से रेस्ट में आ जाएगा? एकदम यही पे रेस्ट में आ जाएगा और फिर से वही कहानी होगा, फिर यहां से वापस जाएगा, टकराएगा, आएगा, टकराएगा, आएगा, जाएगा, टकराएगा, आएगा, जाएगा, टकराएगा, आएगा। सो ओवरऑल अगर हम इस टाइम पीरियड का बात करें तो क्या ये ट्वाइस ऑफ टाइम ए बी है? Yes, sir. जाने का और आने का टाइम, तो आपका आंसर आ गया कि दैट टाइम इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट टू डी क्यू ई बाई एम। अब एक दूसरा बात, क्या ये मोशन एसएचएम है? नो सर। बोलो जी, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं? डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है। अच्छा, बहुत बड़ा है। और एक ही डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन। क्या बोला? फोर्स और एक्सेलरेशन, तो हमेशा एक ही तरफ होता है। सर, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो रहा है फोर्स। क्या बोले? देखिए, हम आपका ये बात है ना मान सकते हैं 5% 10%, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल सही। एक्चुअली योर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्चुअली योर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट क्यू ही बाई एम। वेर इज एक्स? एक्स तो है ही नहीं उसमें। कोई बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट इज सो मच लार्ज, तो ध्यान रख भाई दीवार को यहां ले आ दे, इसके बगल में एकदम नजदीक में, टकराएगा, आगे टकराएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे वहां तक नहीं गया, ऐसे ऐसे थोड़ा नजदीक में गया, तो क्या ये एसएचएम हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज योर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, जिसको जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, दैट इज क्यू ई बाई एम, इट इज अ कॉन्स्टेंट। योर एक्सेलरेशन इज Not proportional to minus x, so motion is not SHM. तुम्हारा motion SHM नहीं है, ठीक है? Motion is oscillatory, motion is periodic, having time period this one, ठीक है? Oscillatory, बोलो, periodic बोलो, but not SHM. नोट करो अच्छे से। हाँ बोलो। लास्ट वाला देखिए सर। नहीं नहीं, एक्चुअली हमसे रुको यार, उससे अच्छा है वो मेरे पास क्वेश्चन है ना, पिछले ही दिन आ गया है, उसको हमको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हाँ तो कौन सा बोला, कितना नंबर? लास्ट वाला में तो कुछ नहीं है। छोड़ो, अगला क्वेश्चन। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, स्टूडेंट भेजा था लास्ट में डिस्कस करने के लिए, हम उसको बता रहे थे, फिर बोले कि बैच में इसको डिस्कस कर लेंगे। जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन ये मेंशन है ना कि टू आइडेंटिकल इनिशियली चार्जेस, इनिशियली वन इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द अदर इज प्रोजेक्टेड अलोंग द प्लेन directly towards first particle from the large distance with speed v, the closest distance of approach will be, dekhna zara dhyan se, soch soch ke batana ji। मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, q है, नाम है a, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, उस पर भी चार्ज क्यू है, ये बी है, ये रेस्ट में,
स्मूथ सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, दोनों का मास भी सेम है mm. अब ये बोला गया कि a को इंफिनिटी से एक वेलोसिटी v से फेंका गया है b की तरफ, ठीक है, बोला गया, ध्यान रखना कोई क्लैंप नहीं है, कोई बांधा हुआ नहीं है, अगर कोई बांधा हुआ रहता या क्लैंप रहता या हिंज रहता तो एक अलग तरीके से आदमी सोचता, यहां दोनों फ्री है. तुमसे यह बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन चार्जेस, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के कितना नजदीक से नजदीक जा सकता है. चलो बताओ जरा सोच के, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम? रोलिंग कस के बोलो, वेरी गुड, थोड़ा कस के बोलो, अच्छे एकदम सही एट क्लोजेस्ट अप्रोच. जब आप क्लोजेस्ट अप्रोच का बात करते हैं ना, ध्यान रखना ये वो केस होगा जब ए और बी दोनों एक नए कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. इस समय का जो डिस्टेंस होगा ना वही मिनिमम डिस्टेंस है. क्या समझ पा रहा है? बता कैसे बनाएंगे? ना एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन. हाँ बिल्कुल सही. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं एम बी प्लस जीरो और फाइनल मोमेंटम लिखते हैं एम बी डैश प्लस एम बी डैश. एम एम कर दिया तो क्या आया, वी बाई टू इज इक्वल टू बी डैश, सही है ना? अब देखो अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल. एनर्जी इनिशियल में केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन एनर्जी फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी भी होगा के क्यू क्यू बाई डी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा एम बी डैश का स्क्वायर और प्लस एम बी डैश का स्क्वायर होगा ना दोनों का काइनेटिक एनर्जी. सॉल्व करके डी निकाल दो आंसर, तो आपका वैल्यू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस हाफ एम बी डैश के जगह पे वी बाई टू का स्क्वायर. ऐसा ऐसा दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस, देखो कितना बच रहा, ये टू से टू कटा, एम वी स्क्वायर बाई फोर, उसको इधर ले आओ, सॉल्व करो, डी निकाल लेना बस, फाइन डी डी निकालना सर, ठीक है, जो भी होगा करके सॉल्व करके अपना आंसर दे. तो देखो मेन क्या था ना कि क्लोजेस्ट अप्रोच पे करना क्या है, दोनों का बोथ बॉडीज हैव सेम स्पीड, बोथ बॉडीज हैव सेम स्पीड, उसका स्पीड सेम हो जाए, ठीक है. अच्छा दूसरा क्वेश्चन इस पे जोड़ते हैं, मान लिया हम ये बोलते हैं कि देख भाई जो बी है ना वो हिंज है, इसको है ना रोक के रखे, एक दीवार के सहारे इसको रोक के रख दिए, तो फिर जब हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं तो उसका कंडीशन क्या बनता, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता, बी यही रहता और ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता रुकता, जहां रुकता वहीं पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था क्योंकि उसके बाद फिर ये वापस जाता, सही है. तो क्वेश्चन में एक एक वर्ड पे है ना कुछ कुछ है जहां सोचना पड़ता है. आप अगर दोनों को फ्री कर दिए तो जब कॉमन स्पीड आएगा तो उस समय डिस्टेंस मिनिमम होगा, अगर आप उन दोनों में से किसी एक को फिक्स्ड कर दिए तो जब
चलने वाला रुक जाएगा उस समय डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो सोच सोच के बनाना, नोट करो उसको अच्छे से। कहां गए थे अंशु कुमार? यस सर। क्या पूछ रहा है? लव क्वेश्चन। लास्ट वाला फर्स्ट कॉलम का। रुक जा भाई, आने दे। हाँ थोड़ा बड़ा कर दो। छोड़ दो तुम। लिखा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विच इज फ्री टू मूव इज प्लेस्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर विथ नेगेटिव, यही ना? यस सर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर विथ नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट सेंटर, इट विल मूव टुवर्ड सेंटर, मूव टुवर्ड्स द नियरर वॉल, रिमेन्स स्टेशनरी, ऑसिलेट बिटवीन द सेंटर। रुका हुआ रहेगा यार, ये सब क्वेश्चन आगे आप पढ़िएगा, ठीक है? रुका हुआ रहेगा क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो, ठीक है? कंडक्टर के अंदर अगर ई जीरो है तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर फोर्स नहीं लग रहा है, देखो ना आपने कल भी तो बनाया था ना लास्ट टाइम। लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज है? रुको ना, बता रहे ये एक चार्ज, मान ले क्यू वन और इसको तुम दिया है क्यू टू, तो क्यू टू इसके बाहर है, सही है? हाँ गुड, वेरी गुड। और अंदर में जैसे बोला कि सर कंडक्टर के अंदर एक चार्ज है ना, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है ना? अरे चार्ज का होगा ना? यस सर। वेरी गुड। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी का है। यस सर। तो जब हम इस चार्ज को उठा के यहां से यहां ले जाएंगे तो क्या इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां उस पर फोर्स लगाएगा? नहीं सर। कोई नहीं, वो जो तुम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है वो उसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप वहां मूव करा रहे हैं, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। अगर बाहर वाले चार्ज का कोई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब क्यू वन पे फोर्स लगता। देख क्यू वन पे जो फोर्स लगेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यू टू के इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्या पढ़े ना हम लोग ये? यस सर। ठीक है, लेकिन क्यू टू का तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद Q1 का ही था, तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप उसको जहां ले जाके छोड़िएगा वहीं रह जाएगा, जहां ले जाके छोड़िएगा वहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स जीरो। समझ में आया? चलो ठीक है।